एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, जहां पनकी गौशाला में देखी गई गौवंश की दुर्दशा। जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गौ सेवा को लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है, साथ ही गौ सेवा के लिए तरह तरह की योजनाएं निकाली जा रही हैं, तो वहीं पनकी गौशाला में आए दिन गाय और बछड़े की मौत देखी जा रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। हैरत की बात यह है कि गौ सेवा का दिखावा करने वाले जिले के आला अधिकारी मौन रहकर यह सारा तमाशा देख रहे हैं। इन अधिकारियों को न तो गौ माता की पीड़ा दिखती है और न ही उनकी भूख प्यास। अब आपको बताते हैं, पनकी में बने गौशाला में सैकड़ों की संख्या में गाय और नंदी महाराज रखे गए हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए तकरीबन 2 दर्जन कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गौवंश के लिए प्रतिदिन कुंटलों भूसा और चोकर सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, पर जमीनी हकीकत देखें तो कुछ गड़बड़ है। जहां इन गायों को भूसा खाने को डाल दिया जाता है, पर जो करता वो यहां पर नामो निशान तक नहीं रखता है, जिसे खाते समय ये गाय बछड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और चोटिल हो जाते हैं, और सही इलाज न मिलने पर इनकी मौत भी हो जाती है। सरकार की ओर से इन सभी पशुओं के लिए पशु चिकित्सक भी रखे गए हैं, पर पशु चिकित्सक का कार्य तो गौशाला में इतना अच्छा है कि आए दिन कोई न कोई गाय अपना दम तोड़ देती है। लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सक द्वारा न ही गायों का ढंग से इलाज किया जा रहा है और न ही आला अधिकारियों द्वारा गौशाला में गायों के लिए कोई उचित प्रबंध किया जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि आए दिन गायों की मौत होने के बावजूद भी आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताज़ा मामला रविवार का है, जहां रविवार को सुबह करीब 10 बजे गौशाला के अंदर बने मैदान में मृत गाय के बछड़ों को कुत्तों द्वारा नोचता हुआ देखा गया, जिसके बाद बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा गौशाला में जमकर हंगामा काटा गया और जिले के आला अधिकारियों से गौशाला में गौ सेवा के लिए उचित व्यवस्थाएं करने की मांग की गई। साथ ही साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ माता की यह दुर्दशा देखकर काफ़ी दुख व्यक्त किया है और आला अधिकारियों से घटना का अंजाम लेने के लिए कहा गया है। आला अधिकारियों से सभी घटनाओं को अंजाम में लेने के लिए कहा गया है, और जो भी व्यक्ति अपने कार्य में ढिलाई बरत रहा है उन सभी दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की बात कही गई है। उक्त मौके पर जितेंद्र नाथ पांडे, मुकेश कुमार, गौरव, हर्षित रावत, रमन वर्मा, नंद कुमार, गुलशन कुमार, वीरेन मस्ती आदि लोग मौजूद रहे। पनकी कानपुर नगर से संवाददाता आकाश शर्मा की खास रिपोर्ट एंग्लो इंडिया द्वारा मालूम हुई। फिर सारे कार्यकर्ता आए, सारे लोगों से बातचीत हुई। यहाँ पे जब सुबह हम लोगों ने आकर के देखा तो कम से कम 4-5 गौवंशों को कुत्तों ने फाड़ दिया था, मतलब कुत्तों से फाड़ी हुई थी। 2 बीमार भी थी, भूसा सूखा पड़ा हुआ था। इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं यहाँ देखी गई। ठीक सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र पांडे हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जनसेवक हूँ। आज यहाँ पे गौशाला में क्या निरीक्षण करने आए थे आज? ऐसा है कि कोई निरीक्षण की योजना नहीं थी। आज एक घटना हमारे वीरेंद्र अवस्थी जी की जानकारी में आई कि यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। हमारे योगी राज में गौ माता के लिए बहुत सारा धन और बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार हमारी गौशालाओं को दे रही है, और यहाँ पर हमारे बीरेन जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख हैं, उन्होंने पाया कि बहुत सारी अनियमितताएं थी जिस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद ये जब मेरे मामला प्रकरण में आया तो मैं आज यहाँ पर मौके पर पहुँचा तो मैंने देखा कि एक अभी ये जो आपके सामने गाय पड़ी है, गौ माता पड़ी है, वो अभी भी बेसुध अवस्था में पड़ी थी जब उसको वहाँ से उठा के लाया गया, तो ये अब इस स्थिति में है। जैसे डॉक्टरों ने अभी आपने बात करी, डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया है? देखिए, जिम्मेदार जो भी हैं उनमें चूक हुई है, और मैं इस बात से हमेशा कहना चाहता हूँ कि गाय को जानवर की श्रेणी में हिंदू समाज कभी भी स्वीकार नहीं किया है और ना ही करेगा। हमारा यही कहना है कि गाय को माता हम मानते हैं, और माँ से मिलने अगर हमारी नौजवानी आती है, और अगर किसी भी प्रकार से अगर उनमें अव्यवस्था और चीज़ों में अनियमितताएं मिलती है तो ये नौजवानी क्रांति लिखने का काम करेगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पे समस्या आई थी, यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने बताया था यहाँ सूखा भूसा भी डाला जाता है। देखिए, क्या जानकारी करेंगे? खाना
जो भोजन होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है कि कैसे भोजन दिया जाता है। यदि आपसे हम बात करें तो आप एक बार रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन आटा खाना अपच का कारण होगा। यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी खाने के लेकर अनियमितताएं थी। मैं अपनी सरकार के अंदर इस प्रकार की अनियमितताएं अगर यहाँ का प्रशासन करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, और इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करा लूँगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। क्या मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूँ, क्या नगर आयुक्त ने आपने कंप्लेन करी थी? देखिए सभी के नॉलेज में है, सभी बड़े समझदार अधिकारी हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं चूक है जो इतनी अनियमितताएं हो रही हैं। जितना उनका वेतन नहीं उससे ज़्यादा की अगर अनियमितताएं आएंगी तो उनको अपनी कुर्सियों से हटना पड़ेगा, मैं आपसे कहने वाला हूँ। ठीक। आज एक घटना हमारे वीरेंद्र अवस्थी जी की जानकारी में आई कि यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं हैं। हमारे योगी राज में गौ माता के लिए बहुत सारा धन और बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार हमारी गौशालाओं को दे रही है, और यहाँ पर हमारे बीरेन जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख हैं, उन्होंने पाया कि बहुत सारी अनियमितताएं थी जिस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद ये जब मेरे मामला प्रकरण में आया तो मैं आज यहाँ पर मौके पर पहुँचा तो मैंने देखा कि एक अभी ये जो आपके सामने गाय पड़ी है, गौ माता पड़ी है, वो अभी भी बेसुध अवस्था में पड़ी थी जब उसको वहाँ से उठा के लाया गया, तो ये अब इस स्थिति में है। जैसे डॉक्टरों ने अभी आपने बात करी, डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया है? देखिए जिम्मेदार जो भी हैं उनमें चूक हुई है, और मैं इस बात से हमेशा कहना चाहता हूँ कि गाय को जानवर की श्रेणी में हिंदू समाज कभी भी स्वीकार नहीं किया है और ना ही करेगा। हमारा यही कहना है कि गाय को माता हम मानते हैं, और माँ से मिलने अगर हमारी नौजवानी आती है, और अगर किसी भी प्रकार से अगर उनमें अव्यवस्था और चीज़ों में अनियमितताएँ मिलती है तो ये नौजवानी क्रांति लिखने का काम करेगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पे समस्या आई थी, यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने बताया था यहाँ सूखा भूसा भी डाला जाता है। देखिए क्या जानकारी करेंगे? कि खाना जो भोजन होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है कि कैसे भोजन दिया जाता है। यदि आपसे हम बात करें तो आप एक बार रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन आटा खाना अपच का कारण होगा। यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी खाने के लेकर अनियमितताएं थी। मैं अपनी सरकार के अंदर इस प्रकार की अनियमितताएं अगर यहाँ का प्रशासन करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, और इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करा लूँगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। क्या मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूँ, क्या नगर आयुक्त ने आपने कंप्लेन करी थी? देखिए सभी के नॉलेज में है, सभी बड़े समझदार अधिकारी हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं चूक है जो इतनी अनियमितताएं हो रही हैं। जितना उनका वेतन नहीं उससे ज़्यादा की अगर अनियमितताएं आएंगी तो उनको अपनी कुर्सियों से हटना पड़ेगा, मैं आपसे कहने वाला हूँ। ठीक। सर क्या नाम है आपका? वीरेन नारायण अवस्थी, जिला गौरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। जी आपको सूचना कैसे मालूम पड़ी थी? जो सूचना हमारे बजरंग दल के जिला सह गौरक्षा प्रमुख विवेक द्विवेदी के द्वारा मालूम हुई, फिर सारे कार्यकर्ता आए, सारे लोगों से बातचीत हुई। यहाँ पर जब सुबह हम लोगों ने आकर के देखा तो कम से कम 4-5 गौवंशों को कुत्तों ने फाड़ दिया था, मतलब कुत्तों से फाड़ी हुई थी, 2 बीमार भी थी, भूसा सूखा पड़ा हुआ था, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं यहाँ देखी गई। ठीक।